नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई झगड़े होना आम बात है। कपल्स के बीच नोक झोंक ही तो उनके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करता है, लेकिन कई बार इसका फायदा दूसरों को मिल जाता है। कुछ ऐसा ही फ्लोरिडा की रहने वाली सेरेना वुल्फ के साथ हुआ। सेरेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लियर स्काई कैफे में डेट के लिए गई थी। इस दौरान सेरेना ने अपने बॉयफ्रेंड से उनके घर जाने के लिए न्यूयॉर्क की टिकट बुक कराने के लिए कहा। लड़के ने सेरेना को इसके लिए मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों के बीच जुबानी जंग बढ़ती गई और दोनों में से कोई चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद सेरेना ने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसके कार्ड से वेटर को $5,000 की टिप दे दी, जबकि दोनों का बिल $55 आया था। सेरेना के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि उनकी जानकारी के बिना उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सेरेना को गिरफ्तार कर लिया है। बॉयफ्रेंड ने ये भी बताया कि सेरेना ने शराब पी रखी थी। बिना इजाजत के किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के अपराध को लेकर फिलहाल सेरेना को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। यहाँ तक कि $1,000 का उन्हें जुर्माना भी लगा है। वहीं रेस्टोरेंट ने टिप के पैसे वेट्रेस को दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि ये वेट्रेस और रेस्टोरेंट पर निर्भर करता है कि उसे टिप वापस देनी है या नहीं।